नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत मौर्य है। आज एक बात करेंगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बारे में। प्रॉब्लम ये है कि जब हम अपने घर में इंटरनेट लगाते हैं तो हम इंटरनेट वाले को ढूंढते हैं, पहले कॉल करते हैं, फिर देखते हैं वहाँ पे उस इंटरनेट की सर्विस है या कि नहीं है। अगर सर्विस होती है तो फिर हम उन्हें बुलाते हैं, वो डेट देते हैं, फिर वो आएंगे, केबल खींचेंगे, अंदर केबल लेके आएंगे, एक छोटा सा राउटर होता है, वो राउटर रख के उसमें इंटरनेट दे देंगे और फिर हम इंटरनेट का यूज करते हैं। मान लीजिए आपका इंटरनेट आप यूज कर रहे हैं और अचानक से आपका बाहर कहीं केबल टूट गया, इंटरनेट बंद हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप डायरेक्ट फिर उस बंदे को कॉल कीजिएगा, भैया इंटरनेट नहीं चल रहा है, आप देखो क्या प्रॉब्लम है। फिर वो बंदा आएगा और देखेगा कि बाहर आपका केबल टूट रखा है। टूटा कैसे है? तो गली में ट्रक जा रही थी और उसमें लग के टूट गया। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है केबल का। केबल लेके आना ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अंदर कहाँ पे रखें? फिर जब आप पूरा घर रेनोवेट कर लेते हैं, फिर आप इंटरनेट के बारे में सोचते हैं, तो फिर केबल आपके ऊपर ऊपर से होके आता है, दीवार के ऊपर से, तो और वो गंदा दिखता है। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में आज ही बात करेंगे, इसी वीडियो में बात करेंगे। बिना वायर का कैसे हम इंटरनेट यूज करेंगे, वो भी हाई स्पीड। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करें। आज से कुछ टाइम पहले जियो और एयरटेल ने अपना एयर फाइबर लॉन्च किया। इसके नाम से पता चलता है कि एयर फाइबर मतलब हवा में फाइबर। कोई केबल नहीं आएगा घर में, और सिर्फ आपके पास एक डिवाइस आएगा जो आप केवल उसे पावर देना है और वो डिवाइस ऑटोमेटिक ऑन होगा और इंटरनेट एज अ इंटरनेट काम करेगा। बट वो काम कैसे करेगा? उसमें क्या कहीं बाहर से कोई इंटरनेट दे रहा है, या कोई वायर आके छुप के लगी हुई है, क्या हो सकता है? इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जब हम एयर फाइबर लेते हैं ना, तो उसके जिस कंपनी का हम एयर फाइबर लेंगे, फिलहाल तो अभी मार्केट में मेरे हिसाब से दो ही हैं, एक जियो है, एक एयरटेल है। तो जब हम जियो या एयरटेल का फाइबर खरीदते हैं ना, तो उसके साथ एक सिम आता है, 5G सिम। 5G सिम उस डिवाइस के अंदर लगा हुआ रहता है और फिर हम उस डिवाइस से पूरे घर के जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट है उसको कनेक्टिविटी देते हैं। और एक और चीज़, जब हम फाइबर वाला डिवाइस जब लेते हैं ना, उसमें लैन पोर्ट का भी ऑप्शन होता है, इसे आईओ पोर्ट बोलते हैं। अगर आपके घर में कोई लैन से चलने वाला डिवाइस है, उसमें वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं हो सकती है, तो आप उसके डिवाइस से अपने डिवाइस को वायर के थ्रू कनेक्ट भी कर सकते हैं। प्लस उसमें यूएसबी पोर्ट होता है। बहुत सारे लोग बता रहे हैं इसे सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए होता है, ये होता है, जी नहीं, वो यूएसबी पोर्ट आपके आईओटी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए होता है। आईओटी डिवाइस का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जैसे कि आप प्रिंटर कनेक्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल वाला डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं, फायर अलार्म कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे 100 से ऊपर डिवाइसेस है, IoT डिवाइसेस, जिसे आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये एयरटेल फाइबर जियो फाइबर लगेगा कैसे आपके घर में, इस पर बात करते हैं। वो सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे एयरटेल फाइबर के लिए, जियो फाइबर के लिए, तो एक वहाँ उनका टीम का एक बंदा आएगा और आपके घर इंस्पेक्शन करेगा। इंस्पेक्शन में क्या देखेगा? देखेगा कि आपके घर के अंदर 5G नेटवर्क अवेलेबल है या नहीं। आपके घर के अंदर जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है या जो वाईफाई का सिग्नल का स्ट्रेंथ है, वो हाई है या लो है, वो मैपिंग करेगा। उसके बाद आप उससे ले सकते हैं। लेने के बाद आप उसे केवल पावर प्लग करेंगे और डिवाइस ऑन हो जाएगा, फिर अपने जितने भी डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर की जो स्पीड है वो 100 Mbps की होगी, और आप वो बहुत छोटा डिवाइस होगा, पोर्टेबल डिवाइस होगा। अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, कलकत्ते में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं, आप वहाँ पे जॉब करते हैं, आपने वहाँ पे वो डिवाइस ले लिया, हो सकता है कि आपको कुछ दिन के लिए अपने होम टाउन जाना पड़े, क्योंकि आप वहाँ पे फिर से इंटरनेट के लिए केबल वाले को बुलाएंगे, फिर केबल खिंचवाएंगे, जी नहीं, आप ये जो डिवाइस है इसी को लेके अपने घर जाइए, होम टाउन जाइए, और वहाँ पे 5G कनेक्टिविटी अवेलेबल होगी, तो आपका डिवाइस प्रॉपर 100 Mbps पे काम करेगा और अच्छे क्वालिटी इंटरनेट के साथ काम करेगा। आप कहीं वेकेशन पे जाते हैं, लॉन्ग वेकेशन पे जाते हैं, तो आप वहाँ पे भी लेके जा सकते हैं, वहाँ पे भी आप इसे यूज कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको, आप एक यूट्यूबर हैं या ब्लॉगर हैं, आपको बहुत जल्द वीडियो अपलोड करनी होती है, आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, तो आप उस डिवाइस को वहाँ पे भी पोर्टेबल कर सकते हैं, वहाँ पे भी ले जा सकते हैं, और वहाँ से इससे अपने डिवाइस कनेक्ट करके आप वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, और सारी चीज़ें जो आपको इंटरनेट पर करनी है सब कुछ कर सकते हैं। देखने में सुंदर है, कोई वायर का झंझट नहीं है कि वायर टूट गया, आधार आपको बंद हो गया, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कंसिडर कर सकते हैं, बहुत अच्छा डिवाइस है वायरलेस में, और वो भी फाइबर स्पीड के साथ। अगर आप अपने ऑफिस में इसे लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। इनकेस हो सकता है आप अपने ऑफिस में फाइबर ले चुके हैं और उसकी पेमेंट 1 साल की या 2 साल की कर चुके हैं, लेकिन आप चेंज नहीं करना चाहते हैं, बट उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है जो आप कर सकते हैं। हो सकता है आपके ऑफिस अभी नया स्टार्टअप आपने किया हो और आपको हेवी इंफ्रा की ज़रूरत ना हो, लेकिन आज के जितने भी डिवाइसेस हैं वो हेवी इंफ्रा के साथ आते हैं। जैसे हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक फायरवॉल भी चाहिए, एक स्विच चाहिए, एक POE स्विच चाहिए, फिर से आपको राउटर भी चाहिए, ये 3 या 4 चीज़ चाहिए। 4 चीज़ क्यों चाहिए? राउटर चाहिए आपके वैन को
वैन नेटवर्क को लोकल नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए, फायरवॉल चाहिए सिक्योरिटी के लिए, पीओई स्विच चाहिए आपको पीओई डिवाइस को पावर देने के लिए, जैसे कि कैमरा हो गया, वाईफाई हो गया, इस सबको पावर देने के लिए एक स्विच चाहिए जो लैन कनेक्टिविटी होगी आपके डेस्कटॉप से। आपको चार डिवाइसेस लेने पड़ेंगे एक छोटे से ऑफिस को रन करने के लिए। हो सकता है आपके स्टार्टअप कंपनी हो, 10 ही बंदे काम करते हो, 15 बंदे काम करते होंगे, अब चार चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करोगे, ये चारों चीज़ महंगे आते हैं। फायरवॉल आपको कम से कम नहीं पड़ेगा तो 1.5 लाख से कम का नहीं पड़ेगा, राउटर आपको 25 से 30 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा, पीओई स्विच 30 से 35 हज़ार से कम का नहीं मिलेगा, और जो आपका स्विच है अगर अनमैनेज ले रहे हैं तो 15 हज़ार 20 हज़ार से कम का अच्छा क्वालिटी का स्विच नहीं मिलेगा। अगर आप इस सब की खर्चे बताना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं जूनिपर का SRX सीरीज जो 3-in-1 है। उसमें आप POE भी हो सकता है, स्विच भी है, ऐसे फायरवॉल भी है, ऐसे राउटर भी है, वो तीनों फीचर्स एक स्विच के अंदर में है। और इससे फ़ायदा क्या होगा, आपकी जो कनेक्टिविटी होगी वो अच्छी रहेगी, आपको इंजीनियर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मैनेज करना आसान रहेगा, बजट फ्रेंडली होगा और आप अच्छे से उसको मेंटेन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।